नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अभी जैसा कि एक नया आ रहा है कि जो भी बैंक खाते होते हैं या जो भी सेवाएं आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही हैं, जो भी सब्सिडी आपको मिल रही है, उसमें आधार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। और ऐसे में पता करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा लें या अपने फिंगर्स को अपडेट करा लें या आपका जो आई रेटिना जो भी कैप्चर किया जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद का कुछ नियम है कि उस टाइम पर कुछ डेटा चेंज होता है या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता करनी है, आपको ये पता करना है कि मैंने आधार बनवाया कब था, इसके बाद कब चेंज कराया, उसमें क्या चेंज हुआ, कितनी बार चेंज हुआ, ये अगर आपको जानना है दोस्तों, तो आप ये जो वेबसाइट है myaadhar.uidai.gov.in, यहाँ पर माई लॉगिन होता है, माई लॉगिन पर आप अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको डालिए। जैसे ही आप डालेंगे दोस्तों, तो ये आपको मेन सर्विसेज जो है यहाँ पर मिल जाएंगी, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ नीचे ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आधार अपडेट हिस्ट्री। ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इनके अलग अलग काम है दोस्तों, इनके बारे में भी वीडियो बनाए जाएंगे। आप आधार अपडेट हिस्ट्री पर आइए। जैसे ही आप आधार अपडेट हिस्ट्री पर आएंगे दोस्तों, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका आधार हिस्ट्री जो यहाँ पर है UIDAI, ये और ये आज की तारीख में दिखा रहा है कि मैं सबसे पहले नीचे चलता हूँ, यहाँ सबसे पहले ये आधार बनाया गया था 7 जुलाई 2011 को बनाया गया था। ये इसका टाइप था, ये URN ID थी, ये नाम रिकॉर्ड मोबाइल नंबर थे, जेंडर था, एड्रेस था और ये फ़ोटो थी। इसके बाद दोस्तों, जब अगली बार उसको चेंज कराया गया, तो ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 7 साल बाद ये चेंज कराया गया और टाइप इसको जब किया गया तो बायोमेट्रिक के तरीके से, और जो इसका एनरोलमेंट अपडेट का दिन था वो यहाँ आपको दिख रहा है। ये जो URN नंबर जनरेट होता है जब भी आप अपडेट कराते हैं, जो भी अपडेट होता है आप चेंज देख पा रहे हैं, फोटो बदला है, मोबाइल नंबर बदला है। देन इसके बाद आप आएंगे और आप ये देखेंगे जो लास्ट और लेटेस्ट अपडेट है वो 2021 में कराया गया था, 3 साल पहले जुलाई में। ये इसका URN नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर बदला गया, फोटो बदला गया, बायोमेट्रिक बदला गया। इस चीज़ से दोस्तों होता क्या है कि जो आपका लास्ट अपडेट है उससे आप ये देख सकते हैं कि हाँ अभी हमारे अब कोई भी नए अपडेट आने में, अगर आपको कोई मैंडेटरी अपडेट नहीं करना है जैसे मोबाइल नंबर बदलना या नाम बदलना, एड्रेस बदलना, इसके अलावा दोस्तों आपको लगातार इसको अपडेट कराने की ज़रूरत पर्टिकुलर टाइम तक नहीं है। जब आपको आदेश आए या जब आपको बताया जाए कि आपका आधार आउटडेटेड होता जा रहा है, तब आप उसको अपडेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ देखा कि एनरोल होने से के बाद, जब आप पहली बार एनरोल हुए थे और उसके बाद से अब अगर 10 साल का कोई अंतर आ जाता है या उससे बड़ा कोई अंतर आता है, तो आपको जल्द से जल्द जो है दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री पता कीजिए और हिस्ट्री पता करने के बाद जाइए और अपने आधार को अपडेट कराइए, ताकि आपका बैंक और जो भी आपको बची हुई बाकी सब्सिडीज मिलती हैं उन सब का आप लाभ जो है प्रॉपर तरीके से ले सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये माय आधार वेबसाइट पर आधार के हिस्ट्री की जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।